हेलो फ्रेंड्स, आ गया है पार्ट 9। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन किस किस टाइप के और बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यू बोर्ड का एग्जाम हो, TGT, PGT, नीट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन से बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर प्लांट्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स द क्रिटिकल कंपटीशन इज फॉर ऑप्शन ए सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी स्पेस एंड ऑप्शन डी लाइट। तो बताइए दोस्तों, आपका 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी लाइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए। द सिमिलरिटी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर फॉर प्रोटेक्शन एंड हाइडिंग इज कॉल्ड ऑप्शन ए मिमिक्री, ऑप्शन बी प्रिडेशन, ऑप्शन सी एडाप्टेबिलिटी एंड ऑप्शन डी कैमोफ्लेज। ये क्वेश्चन दोस्तों कई साल से लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यू रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए मिमिक्री। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज अ बायोम, ऑप्शन ए द सम ऑफ इकोसिस्टम इन अ जियोग्राफिकल एरिया, ऑप्शन बी असम ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द होल अर्थ, ऑप्शन सी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी बायोटिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉपुलेशन। इसमें दोस्तों बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं लोगों को, बच्चों को लगता है कि बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जो है अप्रॉक्स इसके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए असम ऑफ इकोसिस्टम जियोग्राफिकल एरिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चूज ऑल ऑफ द फॉलोइंग दैट आर नॉट अडेप्टेड टू सीजनल चेंजेस इन हैबिटेट क्वालिटी, ऑप्शन ए माइग्रेशन, ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ स्पीसीज रेंजेस, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड ऑप्शन डी हाइबरनेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, व्हाट विल बी राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एक्सपेंशन ऑफ स्पीसीज रेंजेस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कीटोन स्पीसीज आर दोज, ऑप्शन ए प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, ऑप्शन बी दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंट, ऑप्शन सी अटेनिंग लार्ज बायोमास एंड ऑप्शन डी कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स टू सक्सीड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑप्शन ए नेटलिटी, ऑप्शन बी अनलिमिटेड फूड, ऑप्शन सी एडाप्टेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इंटर स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के फोर ईयर में कंटिन्यू पूछा गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी एडाप्टेबिलिटी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए बायोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी फर्टिलिटी, ऑप्शन सी कैरिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी बर्थ रेट। तो बहुत से दोस्त लोग इसका आंसर कैरिंग कैपेसिटी लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगा दोस्तों, तो सही जवाब क्या होगा, बायोटिक पोटेंशियल। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में मिलने के लिए। विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए ग्रासलैंड, ऑप्शन बी सवानास, ऑप्शन सी डिसीडियस फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आपका 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज मिसमैच, ऑप्शन ए टुंडा लो रेनफॉल सवाना एकेसिया ट्री, ऑप्शन सी पेरियार ग्रासलैंड एंड ऑप्शन डी कोनीफेरस फॉरेस्ट एवरग्रीन ट्री। इसमें से बताइए दोस्तों कौन सा मिसमैच है, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए टुंडा लो रेनफॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फियर, ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी एडाफिक फैक्टर एंड ऑप्शन डी प्रिसिपिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।
केवल एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, लेकिन ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एडैपिक फैक्टर। एडैपिक फैक्टर में सॉयल आता है दोस्तों और टोपोग्राफी आती है, तो ध्यान रखिएगा।